व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को, जितने भी लोग मेरे यूट्यूब को देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको पहले मैं बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूंगी। तो हमारे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो ये 1 लाख सब्सक्राइबर का जो सेलिब्रेशन वाला व्लॉग है वो आगे आएगा। मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, पर वो आएगा। करेंगे स्पेशल, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था। वैसे एक बात है, जिस दिन मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ ना, आज 1 लाख सब्सक्राइबर एक्चुअली हुए नहीं है, पर मुझे पता है जिस दिन ये पोस्ट हो रहा होगा ना, उस दिन तक मैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो मैं एडवांस में आपको थैंक यू बोल रही हूँ, इसीलिए जब सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके बाद जो व्लॉग शूट होगा उसमें आपको सेलिब्रेशन दिखेगा, पर मुझे पता है हो चुके हैं, इसीलिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ही लंबी जर्नी रही है, मैं उसके बारे में भी जरूर डिस्कस करूंगी, पर उस व्लॉग में। एनीवेज, चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा मुझे बहुत सारा काम है एक्चुअली निपटाना है मुझे। एक तो मुझे एक वीडियो शूटिंग करनी है, वो वाला वीडियो है बेडशीट वीडियो अमेजोन का, जो आपने देख लिया होगा जब तक ये वाला व्लॉग आएगा। तो अगर नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मैं बेडशीट लेकर आई हूँ आपके लिए, जो मैं हमेशा एक रेगुलर इंटरवल में लाती रहती हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा। तो मुझे वो आज बेसिकली शूट करना है, तो इसीलिए मुझे फटाफट सुबह का काम निपटाना है, फिर दोपहर को शूटिंग में जाएगा, उसके बाद मैं उसको एडिट करूंगी। तो आज थोड़ा सा बिजी वाला डे है, क्योंकि आने वाले अभी एक दो दिन ना मैं थोड़ा और बिजी रहूंगी, मेरे पास वीडियो शूट करने का टाइम नहीं रहेगा, तो बहुत कुछ मैनेज करना रहता है, तो इसीलिए आज वो काम खत्म करेंगे। उसके पहले लंच भी बनाना है, बहुत कुछ करना है, तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। पिछले व्लॉग में मैंने शेयर किया था ना कि मैंने कुछ शॉपिंग करी है रिलायंस मॉल जाकर के, तो मैंने वो शॉपिंग क्या करी है वो मैंने आपको दिखाया नहीं। तो मैंने ना बेसिकली बस वो टी शर्ट्स वगैरह जो लिए थे, जो आपको मैंने बताया था कि मेनली मुझे चाहिए था जीन्स के ऊपर पहनने को, टी शर्ट की बाहर जाते हैं ना तो अच्छा सा नॉर्मल सा, तो उसके अच्छे कलेक्शंस लगे मुझे। तो एक ये लिया है ब्लैक कलर में, दूसरा है ये ग्रे कलर वाला, इसमें ऐसे चेक्स वाले एक पहले भी था, आपने देखा होगा मिनियन बने हुए थे वहां पे, वो वाला मैंने इतना घर में पहना ना कि वो खराब हो गया। तो एक ये लिया, ये भी अगर आप पैकिंग कर लोगे तो अगेन बहुत स्मार्ट लुक आएगा। सबकी रेंज वही है 300 रुपए के है। उसके बाद में एक ये लिया, आजकल टाई एंड डाई तो बहुत चला हुआ है, मेरे पास एक दो है भी, पर ये एकदम प्लेन वाला था, सिंपल सा था, ब्लू कलर में अगेन, तो ये भी समर के लिए अभी अच्छा लगेगा दिखने में। अच्छे थे टी शर्ट से कलेक्शंस, बहुत अच्छे, आप देखिएगा एक बारी। पर जो टॉप्स थे ना वहां पे वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे थे, मतलब सारे टॉप्स ना एकदम वो होते हैं ना फ्लावर प्रिंट वाले, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा कपड़ा, एकदम सस्ता सा लगेगा आपको, बहुत कंजूसी करके बनाया गया है, और दाम ज्यादा 1100-1200। तो टॉप्स के कलेक्शन नहीं अच्छे थे, बट हाँ टी शर्ट है ये वाला भी मुझे बहुत ही सुंदर लगा, पहनने के बाद ना बहुत ही अच्छा सा लगता है दिखने में। और जो हम लोग मूवी देखने गए थे भूल भुलैया, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा हमें 2 बार टिकट लेना पड़ा था, क्योंकि मूवी मिस हो रही थी। तो जब सेकंड बार ही मूवी टिकट लिया तो 2 घंटे थे शो स्टार्ट होने में, तो 2 घंटे हम लोग मॉल में घूम रहे थे, तो मैंने मैक्स गई थी मैं, तो मैक्स से मैंने मुझे ये बहुत ही सुंदर सा दिखा बैग, तो मैंने ये ले लिया। एक बात शेयर करनी है, कुछ दिन पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, पर मुझे पता है काफी लोग हंसेंगे सुनकर के, क्योंकि जिस चीज के बारे में बात कर रही हूँ ना मैं, वो थोड़ा आपको फनी भी लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो इसके पीछे का मैसेज है मैं वो देना चाहती हूँ आपको। तो पहले कुछ जाते हैं बैक स्टोरी में, तो आज से कुछ 1-1.5 साल पहले ना मैं और अंगद मॉल में घूम रहे थे, तो एक शॉप में मुझे एक बहुत ही प्यारी सी डॉल दिखी, और मैंने अंगद को बोला कि ये एग्जैक्ट सेम डॉल मेरे पास बचपन में हुआ करती थी। तो अंगद ने बोला कि तो ले लो, ठीक है अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास मेरे बचपन का कोई कहते ना यादी है वो अब रहा नहीं। तो अंगद ने कहा कि ठीक है ले लो, तो मैंने भी कहा चलो ले लेते क्या दिक्कत है। और जब हम लोग ने उसको पीस को उठाया ना, तो पीछे साइड से पूरा फट गया था, और बहुत ही फेडेड भी था पीछे से, और एक ही पीस था, पुराना सा था। तो काउंटर पे बात करी कि कुछ नया पीस है, उन्होंने कहा नहीं ये एक ही पीस है। तो मैंने कहा तो कब आएगा स्टॉक नया, तो उन्होंने कहा फ्रेश स्टॉक आता रहता है, मे भी आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो छोड़ो नहीं लेते हैं, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। उसके बाद से जब भी हम लोग जाते थे ना मॉल में, तो वो दुकान जाकर के एक बार चेक जरूर करते थे, और वो वाली पीस कहीं नहीं आई। और सिर्फ उसी दुकान में नहीं, हमने 2 अलग मॉल में चेक किया, अंगद को जब भी याद आया ना अरे चलो जाके देख लेते हैं, वहां पे देखते थे तो वो मिलता नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से बात रहेगी। मैंने कहा चलो मैं नसीब में नहीं था, छोड़ो ऐसे भी बचपन की कोई चीज मेरे साथ आज के मतलब बहुत ही कम, 1-2 कपड़े ही है जो मेरे पास है, कुछ खास नहीं है, तो चलो ये भी नसीब में नहीं था, बोल के छोड़ दिया। अभी देखिए क्या हुआ, अभी जो हम लोग गए थे अगेन वो मूवी वाले दिन की बात है, तो फर्स्ट मॉल में टिकट नहीं मिला, सेकंड मॉल में हमने टिकट बुक करा, तो वहां पे हम लोग घूम रहे थे जब जहां पे मैंने शॉपिंग करी थी उस बैग की। हाँ, तो मैक्स की बात है, तो मैक्स में गए ऐसे ही घूमने फिरने के लिए, वहां पे मुझे डॉल दिखी,
ये वाली डॉल, ठीक है, ये वही डॉल है इसके बारे में बात करी थी। ऑफकोर्स कपड़े अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है, पर मतलब मोटा मोटी आप पकड़ लीजिए कुछ ऐसा ही डॉल था जो मेरे पास बचपन में था और मैं इसी की बात कर रही थी। तो ये जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा अंगद देखो ये वही डॉल है और ये दो पीस पर। तो अंगद ने बोला कि ठीक है चलो ले लेते हैं। तो मैंने भी बिना कुछ सोचे, होता ना मन में कि एक बार छूट गया था लेना ले लेते हैं, तो मैंने भी उठा लिया। लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी, जब तक हम लोग अंगद ने बाकी कपड़े ट्राई किए, अंगद देखो जिम वेयर वगैरह लिया था तो कपड़े वगैरह ट्राई किए, भीड़ तो बहुत थी ही थी, तब तक में क्या हो गया 6:30 बज गया और 6:40 की हमारी सेकेंड मूवी थी जो हमने दोबारा बुक करी इतने मेहनत से। आपने वो व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। तो मैंने कहा, लाइन जब देखा था काउंटर पर, मैंने कहा 10 मिनट में तो भैया इसका पेमेंट होने वाला है नहीं, तो एक काम करते हैं अंगद जो भी चीजें तुमने शॉप करी है कपड़े और ये, हम लोग बोलते हैं काउंटर पे कि रख दो आप, हम मूवी देख के आएंगे फिर पेमेंट करके लेके जाएंगे। लौट के जब आते हैं वहां पे तो वो बंदी गायब थी, 3-4 और लड़के थे काउंटर पे। तो अंगद ने बोला कि हमने सामान रखवाया था, तो बहुत उस टाइम पे भी रश था तो पहले वेट कर रहे थे, बंदा चेक ही नहीं कर रहा था। फिर उसने फाइनली चेक किया तो शेल्फ में कोई कपड़े नहीं, कोई डॉल नहीं, कुछ नहीं। जो एक डॉल और बची थी जो टंगी हुई थी, मैंने वो चेक किया, वो भी गायब हो गई। तो मैंने अंगद को बोला, अंगद छोड़ो ये हमारा नसीब नहीं। अंगद मुझे कह रहा बेकार कि तुम हड़बड़ा गए, क्योंकि जब हम लोग गए ना मूवी देखने तो मूवी भी ना 10 मिनट बाद शुरू हुई, पहले ट्रेलर वगैरह था। तो अंगद ने कहा तुम अच्छा खासा टाइम था हमारे पास 20 मिनट का, हम ले लेते बेकार का तुम, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि बार बार छूट जाता है, ऐसे ही मन में आ रहा था, ऐसे कुछ खास बड़ी चीज नहीं है। तो अंगद ने कहा क्यों नहीं तुमने पहले ही ले लिया। मैंने कहा छोड़ो यार ये नसीब में नहीं है, छोड़ो जाने देते हैं, मतलब दोबारा भी नहीं मिल रहा है तो क्या ही करने का, बचपन बीत गया अब क्या करूंगी डॉल लेकर के। तो उसको भी बुरा लग रहा था, मुझे भी मन में लग रहा था कि यार ये लेना चाहिए था छोड़ो, पर मैं उसको ज्यादा बोल नहीं रही थी अंगद को। फिर मैंने कहा छोड़ो तुम जो कपड़े लेकर रखे थे ना वो कपड़े तो और भी पड़े हुए हैं, तो तुम ले लो 2-3 वहां से। एक मिनट फोन आ रहा हाँ। तो अंगद चला गया वापस से वो कपड़े सब सिलेक्ट करने जो उसने छोड़े थे काउंटर पे। तो वो देखने लगा, उसमें से उसको लगा एक और जो है वो ट्राई करते, वो ट्रायल रूम में चला गया एक और देखने के लिए। जब वो ट्रायल रूम में गया ना तो मैं ऐसी घूम रही थी, मैं ना एक्चुअली ढूंढ रही थी क्या पता डॉल कहीं और भी रखी हुई हो, पहले मुझे 2 पीस देखो और भी पीस हो। तो मैं देखने लगी, घूम रही हूँ घूम रही हूँ, घूमते घूमते मुझे वो वाला बैग दिख गया पिंक वाला जो मैंने आपको दिखाया। तो मैंने वो बैग ले लिया। उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं टर्न हुई ना, मैं एक बच्ची है छोटी सी 3 साल की रही होगी, उसके हाथ में ये डॉल है, ये ऐसे उल्टी सी थी और वो ऐसे अपनी मम्मी को अम्मा बोलते हुए चिल्लाते हुए, तो जिसने आवाज लगाई तो मेरा ध्यान उस पर गया, तो मैंने देखा अरे तो वही डॉल है उसके हाथ में, और वो अपने पेरेंट्स के पास गई। पर ऑफकोर्स एक छोटी सी बच्ची के हाथ में डॉल है तो अब तो उसका ही है, क्या कर सकते। पर मैंने देखा, मैंने कहा चलो एटलीस्ट अंगद को बता देते हैं कि डॉल है। फिर अंगद आए, मैंने कहा अंगद देखो छोटी बच्ची के पास में डॉल है, तो उसने ले लिया कोई नहीं चलो, पर शायद हमारे नसीब में था ही नहीं जाने देते। तो उसने भी बोला आप क्या कर सकते हैं बच्ची के हाथ में है। उसके बाद में चलो हम लोग लाइन में लग गए पेमेंट करने के लिए। फिर अंगद जो एक टी शर्ट लेके आया, देखिए कैसे जो चीज होनी होती है होता है, तो जो टी शर्ट लेकर आया ना वो गलती से वो ले आया स्मॉल में, उसको मीडियम में चाहिए था। तो जब वो पेमेंट करने गया तो अंगद ने चेक किया, अरे रुको मैं फिर से लेकर आता हूँ एक्सचेंज करके। वो गया मीडियम में लाने, तब तक जो बच्ची के पापा थे और मम्मी थे वो लोग आगे बिल देने के लिए। तो मैंने कहा आप आगे आ जाओ, ऑफकोर्स अंगद तो गया है पीछे, तो वो आगे आ जाते हैं बिल देने के लिए। और उसके जो पापा है वो ये उनके हाथ में भी डॉल है, बच्ची ने उनको दिया, उसने इसका प्राइस देखा, प्राइस मैं उनको ही देख रही हूँ, प्राइस देखा तो उसकी मम्मी को, बच्ची की मम्मी को ऐसे इशारा करते लेना है, जिसकी मम्मी बोलती है ऐसे करके, और बच्ची जो है उसको वो लेके जाती है कि उसका मन बहलाए। तो मैंने सोचा कि अरे इनको तो लेने का मन है नहीं, तो क्यों ना मौके पर चौका मारा जाए। तो मैंने उनको बोला एक्सक्यूज मी डू यू वांट दिस डॉल, तो उसने बोला नो नो। तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए एक्चुअली, तो उसने बोला हाँ टेक इट टेक इट। मैंने कहा पर आपकी बेटी को पता चलेगा तो शी विल क्राई राइट। तो उसने कहा नो शी हैज 100 ऑफ डॉल्स, हम तो परेशान होते हैं, यू डू वन थिंग, आप ये लेकर के कहीं कोने में चले जाओ ताकि उसको दिखे ना, और बाद में हम पेमेंट कर देंगे और हम निकल देंगे, फिर ही आ पाना। तो मतलब बेसिकली उनको भी डिस्कार्ड करना था, नहीं चाहिए था, पर बच्ची रो रही थी तो उनको भी अच्छा मौका मिल गया कि भाई तू ही ले जा। तो मैंने कहा ठीक है आई टेक इट। मुझे इतनी खुशी हुई ना, पता नहीं कोई छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर मुझे इतना अच्छा लगा वो चीज। मैंने फट से मैं ली और एकदम छोटी सी बच्ची जो होती है ना 3-4 साल की, मैं वो बन गई और मैं फटाफट अंगद के पास गई। मैं टी शर्ट देखा था, अंगद ये देखो क्या है मेरे पास में, कहाँ से आ गया तुम्हारे पास, तो मैंने उसको सब बताया। तो उसने कहा अरे ये तो चमत्कार हो गया। मैंने कहा हाँ इसे शायद मैं बार बार बोल रही थी मेरे नसीब में नहीं, मेरे नसीब में नहीं है, पर ये तो नसीब से लड़के मेरे पास आ गई है। तो मैंने झट से इसको ले लिया, और क्योंकि शायद ऐसे ही लिया होता ना तो इसकी उतनी अहमियत नहीं होती, लगता हाँ ठीक है बचपन वाला डॉल मिल गया। पर क्योंकि इस तरीके से ये मेरे पास लौट कर आई ना तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, ऐसी पता नहीं मुझे क्या ही कोहिनूर क्या ही मुझे मिल गया, क्या मैंने पा लिया है। कम से कम ये खुशी 1.5 घंटा लास्ट किया होगा। मैं अंगद को पूरी स्टोरी बता रही हूँ, वो करके एक्साइटेड ऐसे उनके पास आया, उसने ये किया, फिर मैंने ले लिया, फिर मैंने बिल पे किया और इतनी खुश हो गई। तो इसका नाम हमने क्या रखा है पता है, अब नाम भी रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अभी आई है जब मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाला है, सिल्वर प्ले बटन आने वाला है, तो मैंने इसका नाम रखा है सिल्वर। तो अंगद का क्या नाम है, मैंने कहा इसका नाम मैं सिल्वर रखूंगी। तो सिल्वर बहुत मेहनत करके फाइटर बन के मेरे पास आई है, तो इसलिए मुझे लगा लोग हंसेंगे, सोना क्या इस उम्र में तुम डॉल वॉल की बात कर रहे हो, पर आई एम श्योर
लड़कियां जो होंगी वो तो समझ रही होंगी इमोशंस कि क्या जुड़ाव होता है बचपन के डॉल से और किस तरीके से वो मेरे पास आई, वो उसने इस चीज को और स्पेशल बना दिया और मैं इसे संभाल के रखूंगी फॉर श्योर। आज लंच में बना रही हूँ पालक और बीट रूट की दाल, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है और बहुत ही क्विकली बन जाता है। ये मैंने बिछिया मंगाया, तो ये ना तनिष्क के ही पार्टनरशिप में कोई तो ब्रांड है, ऑनलाइन मैंने मंगवाया है, तो इतना मुझे यूनिक लगा ना इसका डिज़ाइन बाकी बिछिया से हटके। इसमें नग भी बना हुआ है यहाँ पे और इस तरीके से है। अगर आपको चाहिए कि पालक साग ना दिखे जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, तो आप इसको चर्न भी कर सकते हो, इससे पालक थोड़ा सा और भी फाइनली चॉप हो जाएगा और फिर आप सर्व कर सकते हो, पर ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। और देखिए कलर बीट रूट की वजह से कितना प्यारा आया है। और धनिया पाउडर के अलावा इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा नींबू और बस ये रेडी हो गया। घी का तड़का लगाना जरूरी है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ओके, शूटिंग मेरी हो गई है और ये देखिए क्या हाल किया है मैंने डाइनिंग टेबल का। तो यहाँ पे सारी चीजें रखती हूँ मैं, यहाँ पे ट्राइपॉड रखती हूँ, वहां पे शूट करती हूँ, यहाँ पे मैं डालती हूँ ये लाइट, तो यहाँ से लाइट आ जाती है। और अभी मेरा काम नहीं खत्म हुआ, ये चीजें तो यहाँ है ही है, इन सबको मुझे बिछा बिछा करके भी आपको बेड में दिखाना है, तभी तो क्लियर आपको आइडिया आएगा। शूट कर रही होती हूँ ना तो घड़ी यहाँ से मैं हटा देती हूँ, तो ये वाला पोर्शन घड़ी का है ना, घड़ी हटा देती हूँ क्योंकि शूटिंग के टाइम पे क्या है घड़ी दिखती रहती है तो पता चलता रहेगा टाइम क्या हो रहा है, तो घड़ी को मैं वहां से मूव कर देती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है देखिए 4:05 हो चुके हैं, 4:30 तक अंगद की मीटिंग है। और ये वाला जो है पोर्शन ये ऊपर रहता है, तो बुद्धा को मैं यहाँ रख देती हूँ जबकि ये रहता है उधर में सोफा के पास। इस तरीके से मैं अरेंजमेंट कर देती हूँ। और ये इंडियन ब्लॉगर शोना को मैं यहाँ डाल देती हूँ ताकि फ्रेम पे आए, अदरवाइज आपको पता है ये यहाँ नहीं रहता, टीवी वाले यूनिट पे रहता है, पर अच्छा लगता है बैकग्राउंड पे ये आता है। जब सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा तो सोच रही हूँ कि यहीं पे कहीं पे रख दूं ताकि फ्रेम में आए जब भी ऐसा हॉल वीडियो बनाऊं ना। तो बताइएगा आप लोग भी कमेंट करके कि कहाँ पे रखना सही रहेगा, इधर रखूं उधर रखूं या फिर इस वाले पोर्शन में कहीं पे रखूं या फिर सामने रखूं, मतलब रखना मुझे इसी एरिया में है पर कहाँ रखूं आप लोग भी आइडिया दीजिएगा। ये जो टी शर्ट है ये वही टी शर्ट है जो मैंने आपको दिखाया ना, मैंने रिलायंस से लिया और आज के वीडियो में देखिए मैंने यूज भी कर लिया अमेजोन की वीडियो में। तो इस तरीके से टक इन करने से ना काफी स्मार्ट लुक आता है और इसलिए अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैंने ज्यादा करके टी शर्ट ले लिया है। उस तरीके से जीन्स में टक इन कर लीजिए, सिंपल सोवर और काफी स्टाइलिश लगता है। तो हो गया वीडियो का, फटाफट सोचा कि चलो चाय वाय पीते, तभी फोन आ गया एलजी डिशवॉशर वाले का। एक्चुअली हमने सर्विस के लिए बुलाया है, तो हमने ना जब भी डिशवॉशर लिया था तो 1 साल का तो वारंटी फ्री आता है ना कि कुछ भी हो सर्विस वगैरह वो लोग देंगे, पर हमने उस टाइम पे क्या किया था ना, हमने एक स्टैंडर्ड वारंटी ले ली थी इसकी। उसमें ये था कि आपको क्या करना है, 1 साल के बाद ना वो लोग ने कहा था कि 3 साल तक एलजी वाले हर क्वार्टर आकर के आपको फ्री सर्विसिंग देंगे, और इस 3 सालों में ना अगर आपका कोई भी स्पेयर पार्ट खराब होता है डिशवॉशर का तो वो लोग ही उसको चेंज करके देंगे, आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और डिशवॉशर में क्या होता है ना, ऐसे मैंने सुना है कि कुछ अगर खराब होता है कोई भी पार्ट खराब होता है तो बहुत ही महंगा पड़ता है, स्पेशली जो उसका जो टच पैनल है ना वो ऑफकोर्स आप गीले हाथ से छूते हो अगर खराब हो जाता है तो वो काफी कॉस्टली पड़ता है। तो हमने क्या किया था, हमने वो वाला ले लिया था पे करके, और वो काफी महंगा आता है अगर आप 3 साल का सर्विस लेते हो तो एक्स्ट्रा लेकर के, तो हमने परचेस के टाइम पे ही ले लिया था, थोड़ा सा आपको डिस्काउंट भी उन लोगों ने दिया था पर फिर भी काफी महंगा आया था। अभी क्या हो गया, हमने डिशवॉशर लिया कब, 2020 के अक्टूबर में, तो 2021 के अक्टूबर में ही 1 साल तो खत्म हो गया। अभी अक्टूबर से देखिए मई भी खत्म हो गया,
इतने टाइम में एक बार भी फोन भी नहीं आया उन लोगों का, जो सर्विस उन्होंने प्रॉमिस की थी कि हर क्वार्टर हम करके देंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही आएंगे, वो लोग आए ही नहीं। तो फिर हमने सोचा कि चलो हमें खुद से ही बात करनी पड़ेगी। तो अंगद ने बोला उनको कि सर्विसिंग के लिए आना है, तो उन्होंने बोला कि कंप्लेन क्या है आपकी, प्रॉब्लम क्या है। तो अंगद ने कहा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर हमें सर्विस बोला गया था ना कि आप हर क्वार्टर करोगे, तो एक बार जाके हेल्थ चेकअप कर लो मशीन का। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आपको कुछ ना कुछ कंप्लेन होगा तो ही हम आएंगे। तो अंगद ने कहा ठीक है, तो लिखो कंप्लेन, स्मेल इश्यूज आ रहा है, पर आइए आकर के चेक तो करना पड़ेगा, एक तो हमने पैसे दिए हैं इतने सारे। तो फिर उसने बोला ठीक है, तो अब बंदा आ रहा है, टेक्नीशियन आएगा और क्या करवाएंगे, हम सर्विसिंग करवाएंगे, अंदर से देखते हैं क्या है, एक बार देखना जरूरी है, और उसी का तो पैसा दिया है 3 साल का, मतलब पहले पैसा भी दीजिए और फिर आप ही फोन करके उनके पीछे दौड़िए कि भैया भेज दो, भैया भेज दो। इन दोनों के बीच में कुछ टीडीएस मीटर में 103 × 10 पीपीएम, इधर भी पीपीएम टोटल हार्डनेस बोल रहे हैं, ठीक है। अभी ये 125 बोले तो 1250 देता है। हो गया इसका सर्विसिंग, कुछ तो खास प्रॉब्लम थी नहीं, कुछ भी नहीं, बस वाटर हार्डनेस लेवल उसने बढ़ा दिया। और मैं यूजुअली मतलब 1/2 kg सॉल्ट डालता था, तो बोला कि मिनिमम 1 kg तो डालिए ही डालिए, हो सके तो 2 kg डायरेक्टली डाल दीजिए, तो मैं भी मेरा गलती था। और उसने ये चेक किया कि आपके घर में कितना हार्डनेस लेवल है वाटर का, तो ये वाला स्टिक था, ये ऑलरेडी था हमारे डिशवॉशर के साथ में, इसको पानी में डिप किया, तो ये जो कलर है ना ये एक्चुअली किसी से ज्यादा मैच नहीं कर रहा है, पर मुझे लग रहा है 75 से 125 के बीच में ही है। इनफैक्ट अंगद मुझे तो 0 से 75 के बीच का लग रहा है ये कलर, नहीं नहीं बहुत ज्यादा लाइट नहीं आ रहा, 0 तो टीडीएस हो ही नहीं सकता, 75 के नीचे 60-65 ऐसा नहीं लग रहा तुमको? क्योंकि ये देखिए ये डार्क ब्लू है, यहाँ पे डार्क ब्लू नहीं है, ये लाइट पर्पल है। ये मतलब जब मैंने एएमसी लिया था तब वो बोल रहा था कि पूरा उसका ब्लेड्स को निकाल के उसके जो परफोरेशंस होते हैं जहाँ से पानी निकलता है वो सब क्लीन करेगा, कभी कभी मतलब फूड पार्टिकल्स अंदर स्टिक हो जाते हैं, तो ना तो वो किया उसने, ना तो फिर जो स्टीम जहाँ से निकलता है वहाँ पे भी परफोरेशन रहते हैं वो भी उसने खोल के क्लीन नहीं किया, तो एज इट इज बस उसने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बेसिक जो फिल्टर रहता है वो रिमूवेबल फिल्टर वो क्लीन कर दिया, उतना तो मैं करता ही हूँ मंथली एक बार। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे एक वाईफाई प्लग दिख रहा होगा आपको, ये एक्चुअली हमने लेकर रखा था, तो इसको हमें इसके अंदर डलवाना था। इसका फायदा क्या होता है ना कि अपने आप वाईफाई से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, तो कई बार होता है ना कि अब सोने चले गए ये ऑन रह गया तो वो अपने आप ऑफ हो जाएगा, तो वो हमने पीछे साइड में लगवा लिया है क्योंकि ये बहुत हैवी है ना, इसको आगे करना था लगवाना था, वो लेकर रखा था हमने, वो हमने लगवा लिया है, वो अमेजोन से लिया था तो वो भी हो गया। अब ये वाईफाई से ही ऑन और ऑफ हो जाए, बस इसको हमें ऑन रखना है, इसको ऑन करेंगे और उसके बाद में वाईफाई से वो इनेबल हो जाएगा और ऑन ऑफ आराम से इजीली हो जाएगा अंगद के मोबाइल से ही। ये रहा, अभी यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर लिखा हुआ है क्योंकि वो प्लग मैंने वाटर प्यूरीफायर वाला लगा दिया है, तो ये ऑन हो गया एंड दिस इज ऑफ। आज बन रहा है डिनर में मेथी का थेपला, बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बारिश हो रही है, तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें ले ली हैं।